अरे भाई, चुनाव में हार जीत चलता रहता है, उससे थोड़ी ना कोई घबराता। हम लोग भी तो लगातार 15 साल से आरजेडी हार रही थी, लेकिन आप देखिएगा लगातार 2 बार से विधानसभा के चुनाव में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रही कि नहीं रही। तो ये ठीक है, हर लोकल चुनाव हर लोकल इश्यूज़ पे था, लोकल इश्यूज़ पे होंगे, लेकिन जब देश का चुनाव होगा तो जो देश की आम जनता का जो मुद्दा है, तो सबसे बड़ी चाहे गरीबी हो, महंगाई हो, आपका बेरोजगारी हो, इन सारे इश्यूज पे जो है चुनाव हो। नरेंद्र मोदी का विकल्प नहीं है, नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प ही नहीं है। एमसीडी का चुनाव हारी बीजेपी, दिल्ली का एक मिनट सुन तो लो, हिमाचल का चुनाव हारी, और बाय इलेक्शन जो है कुर्नी को छोड़ दीजिए, ज्यादातर सारा बाय इलेक्शन हारी। तब क्या ऑप्शन की बात कर रहे हो भाई? एक तरह से देखा जाएगा जो रेशियो है, ये पूरा देश भर में जितना बाय इलेक्शन या जनरल इलेक्शन हुआ, एक जगह तो बीजेपी की सरकार ही ना थी हिमाचल प्रदेश में, तो आप लोग कहाँ रह रहे हैं? मतलब आप लोगों के आंख से कमल हटता ही नहीं है, आप लोग चश्मा जब तक पोछिएगा नहीं तब तक आपको असलियत कहाँ नजर आएगी? 24-25 आम आदमी पार्टी जीती कि नहीं दिल्ली एमसीडी का चुनाव? बाय इलेक्शन बिहार के कुर्नी को छोड़ दीजिए, यूपी का हुआ जो चुनाव, वहाँ हारी कि नहीं हारी भाजपा या और दूसरे राज्यों में?